भागलपुर से कहलगांव में दिवंगत कांग्रेस नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री तथा 9 बार के विधायक रहे सदानंद सिंह को आज अंतिम विदाई दी गई। कहलगांव के शमशान घाट पर उनके बेटे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के द्वारा मुखाग्नि दी गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ता समेत पूरे कहलगांव की जनता का जनसैलाब शमशान घाट पर उमड़ पड़ा। सदानंद सिंह लोगों के बीच लोकप्रिय नेता के साथ साथ सभी के अभिभावक स्वरूप भी थे। आज उनके जाने से राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस दुख की घड़ी में कई दिग्गज नेता शमशान घाट पर उपस्थित थे और इसको जनता के बीच में उन्होंने काम किया, उसे निराश नहीं, उसे आगे काम बढ़ाने का ही अभी इस दुख के बेला में ज्यादा नहीं बोलता हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सदानंद बाबू के मृत्यु और हम उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ आए और श्रद्धांजलि देते हैं। सदानंद बाबू हमारे नेता ही नहीं, मेरे बाबा भी थे, मेरे पिताजी के मित्र थे और उनके जाने के बाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गलत वो गलत करते थे, आप ये गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। मैं तो अपना ये खो दिया। नुकसान हुआ उनके जाने से राजनीतिक क्षेत्र में, इनके जाने से सदानंद बाबू गुजर जाने से मिला ही नहीं। पूरा बिहार में एक खेत बड़ा विश्वास, बड़ा पढ़े लिखे, बड़ा समझदार, बड़ा उलझे हुए ये नेता के जाने से देखिए। सदानंद सिंह एक शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, ना केवल मजबूत राजनीतिक परंतु सामाजिक जीवन में भी उन्होंने बहुत ही जन जन की सेवा करने का काम किया। मैं तो संक्षिप्त में यही कहूँगा कि हम नौजवानों को भी उनके तजुर्बे से बहुत कुछ राजनीति में सीख लेते हैं, खास करके क्योंकि ये तो एक युग का अंत है। देखिए आदरणीय सदानंद बाबू कहलगांव की जनता ने उनको 9 बार विधायक चुना है, ये मामूली बात नहीं है। निश्चित तौर पर वो जनता के बीच दुख सुख में हमेशा साथ रहे और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वो कहलगांव भागलपुर जिला के नेता नहीं थे, वो पूरे बिहार और देश के नेता थे। जैसा हमारे आदरणीय अभी अश्विन चौबे जी बोल रहे थे कि वो सदानंद जी कांग्रेस पार्टी के केवल राज्य स्तर के नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता थे, जिनके निधन पर देश के सभी कांग्रेस और सभी लोग हम लोग मर्माहत हैं। मुझे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का आदेश रहा, हम और बीरेन जी दोनों। सर आपके करीबी थे, मित्र थे और पारिवारिक रिश्तेदार भी थे और राजनीति के क्षेत्र में काफी सदानंद बाबू 60 के बाद के दशक से संसद में पहली बार 1979 में कुछ और दिन के आए और तब से लगातार लगभग कई बार जीतते रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे 9 बार।